3 करोड़ के नोटिस के बाद सीमा हैदर को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नोएडा के जिला अधिकारी और SP से एक शिकायत की है। शिकायत में वकील ने 3 चीजों की डिमांड की है। इससे पहले वकील ने सीमा, उसके आशिक सचिन और उसका केस लड़ रहे AP सिंह को कुल 11 करोड़ का नोटिस भेजा था। दरअसल गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी पाने के लिए कानूनी मदद ले रहा है। उनका केस वकील मोमिन मलिक लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमिन ने अपनी शिकायत में 3 मांगे रखी हैं। पहला, उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमा हैदर गलत ढंग से अपना प्रचार कर रही है। वे बगैर किसी परमिशन के प्रोग्राम कर रही है, ऐसे में उसके प्रोग्राम के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। यानी वकील की पहली मांग ये है कि सीमा से जुड़ी चीजें मीडिया में प्रसारित ना की जाए। वकील की दूसरी मांग ये है कि सीमा और उसके वकील AP सिंह को मुलाकात करने की परमिशन केवल कोर्ट परिसर में दी जाए। वहीं तीसरी मांग ये है कि सीमा किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर सकती। मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा का मामला देश से जुड़ा हुआ है। इससे पहले वे ये दावा कर चुके हैं कि सीमा को कम से कम 5 साल की जेल की सजा होगी। दरअसल कई देशों का सरहद लांघते हुए सीमा पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा चली आई है। उसके साथ 4 बच्चे भी आए हैं। गुलाम हैदर बच्चों की कस्टडी चाहता है। कुछ दिनों पहले गुलाम के वकील ने सीमा को 3, सचिन को 3 और AP सिंह को 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। इसके लिए गुलाम ने केवल 1 महीने की मोहलत दी थी। करोड़ों के नोटिस के बाद अब वकील ने DM और ACP से शिकायत कर दी है। वहीं सीमा ने कुछ महीने पहले दया याचिका दायर कर भारतीय नागरिकता की मांग की है। उसके कई इंटरव्यूज में कहा गया है कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो वहां उसे मार दिया जाएगा। उसका ये भी दावा है कि उसने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है। वह अब अपने 4 बच्चों का नाम हिंदू बच्चों के नाम पर रख चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सीमा कुछ महीनों से ऑनलाइन पैसा भी कमाने लगी है। जी हाँ, उसके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। YouTube में उसे हर महीने मोटी रकम मिलती है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।